अगर आपको मेरी आज की वीडियो समझनी है तो आपको इसके लिए पहले ये वाले वीडियो को देखना होगा। और पहले की तरह आज भी हमारे वीडियो में कोई भी गालियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतलब आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर भी देख सकते हैं। तो देखो भाई, अभी ऐसा चल रहा है कि वर्ल्ड में एकदम हाहाकार मचा हुआ है। आप में से बहुत लोग रॉक एफएफ को जानते होंगे और साथ में ब्रोकन गेमिंग को भी जानते हैं। स्टार्टिंग में जब ये लोग आए थे तब लोगों ने इन्हें क्लियर हैकर बोल दिया था कि ये लोग हैकर हैं। पर किसी के पास उतने तगड़े प्रूफ नहीं थे और कोई इनके खिलाफ बोलने के लिए भी राजी नहीं। इन दोनों के पास मिलियंस में ऑडियंस थी। अगर कोई इनके खिलाफ बोलेगा तो भाई उसका तो फिर तो चैनल गया। इसके लिए कोई ऐसा बंदा चाहिए जिससे बंदे एकदम ट्रस्ट करते हो, ब्लाइंड ट्रस्ट, और उसने जीवन में बहुत कुछ किया। पर मुझे इस बात को सोच के बड़ा अफसोस लगता है कि जितने भी थे ब्रोकन गेमिंग और रॉक एफएफ, इनके 30% ऑडियंस इंडिया की थी। यार इंडिया की ऑडियंस, तुमसे मेरा एक ही कहना है कि यार जितना सपोर्ट तुम बाहर वालों को दिखाते हो ना, उतना सपोर्ट इंडिया वालों को दिखा देते ना, तो भाई इंडिया के ना जाने कितने चैनल भी मिले। तुम लोग से सपोर्ट दिखाते हो टिप्स एंड ट्रिक वालों को, भाई गेम प्ले वालों को थोड़ा सपोर्ट दिखाते तो थोड़ा मजा भी आता हमको भी देख के कि हाँ भाई इंडिया में अच्छा काम चल रहा है। आज की वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनको रेड नंबर से बड़ा लगाव है, जो उसको देखते वो लोग सब्सक्राइब कर देते हैं। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी थी जहां पर रॉक एफएफ का एम कहीं और जा रहा था, मतलब एक एनिमी से दूसरे एनिमी, दूसरे तीसरे एनिमी पे जा रहा था। जिस बात को देखकर लग रहा था एकदम क्लियर, कोई भी देख के बता देगा कि भाई ये बंदा हैक यूज कर रहा है। पर उसके तुरंत ही बात को समय बाद रॉक एफएफ ने जाके लाइव स्ट्रीम करना चालू कर दी, मतलब अपना हैंड कैम सब कुछ पीसी दिखा के लाइव स्ट्रीम करना चालू कर दिया। और फिर लेट द हाइपर के ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि जितने भी उसने क्लिप्स दिखाई है उसमें सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब जो रॉक एफएफ का एम है वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरे एनिमी पे जा रहा है, ये कोई एम बोट नहीं है, ऐसा बोला। पर उसके अगले ही दिन लेट द हाइपर ने एक और वीडियो अपलोड किया और जिस वीडियो ने उसके बाद पूरी इस कहानी का एंड ही कर दिया। आप कुछ बोलने को बचा ही नहीं है इस पूरे सीन में। और अगर तो मेरी मानो ना, तो फ्री फायर कम्युनिटी का सबसे बड़ा एक्सपोज यही वाला वीडियो है, इसी लेट द हाइपर वाले ये दो वीडियोस ही हैं। तो मैं इस पूरी कहानी की छोटी छोटी क्लिप्स आपको दिखाता हूं जहां पर लेट द हाइपर ने कुछ ऐसे पॉइंट रखे जिसको देखकर पूरी एकदम कहानी क्लियर सी हो गई। इस क्लिप को आप ध्यान से देखना, सामने आपको एनिमी दिख रहा होगा, तो किनारे में छोटा सा एनिमी दिख रहा होगा। अब थोड़ा सा हम बैक करेंगे इस वीडियो को और फिर दिखाएंगे कि आखिर होता क्या है यहां। और अब हम इस वीडियो को एकदम स्टार्टिंग से प्ले करेंगे, मतलब जीरो टू इन्फिनिट लेके चलेंगे। और ध्यान से देखना, जैसे यहां पर ये एम करेगा इस बड़े वाले घर में, फायर करने के बाद ऑटोमेटिक इसका एम पीछे चले जाता है, मतलब ये क्लियर एम बोट है, इतना रिफ्लेक्ट कभी नहीं होता गेम में। पर इतने सबसे लोगों का पेट नहीं भरा था, लोगों का पच ही नहीं रहा था, बिकॉज ये लोग डाई हार्ड फैन थे, एकदम पिघल चुके थे बहुत बुरी तरीके से। तो फिर उसने एक और प्रूफ दिया। और अब यहां पे ध्यान से देखना कैसे एम होगा, मतलब यहां एक एनिमी, इसको हेड मारा, फिर यहां से ये पूरा पलटेगा, मतलब इसको हेड मारने के बाद आगे देखना कैसे टर्न होगा और कैसे लगातार तीन लोगों का हेड मारता है, तुम देख के एकदम शॉक रह जाओगे। मतलब देख रहे हो वहां से ऑटोमेटिक एम इसका पलट गया, यहाँ पे एम आया, यहाँ पे एनिमी बैठा ना, देखा इसको दिख रहा है पूरा एनिमी, वहां पे ऑटोमेटिक एम बोट इसका वर्क कर रहा है, यहाँ इसको हेड मारेगा और ऑटोमेटिक इसका एम टावर पे चला गया। मतलब यार ये कैसे पॉसिबल है, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और इस वाली पर्टिकुलर क्लिप के बाद तो सबको साफ हो गया कि भाई ये बंदा है कि यूज कर ही रहा है। इवन इसके लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे लोगों ने गलतियां पकड़ ली कि लाइव स्ट्रीम में मालूम पड़ा कि है कि यूज कर रहा है बंदा। और अगर इसके वीडियो को आप अच्छे से देखोगे ना, बहुत सारे वीडियो में आपको दिख जाएगा एम बोट इसका, देख रहे हो कैसे ऑटोमेटिक एम जा रहा है इसका। तो जो ये पब्लिक के मन में रिफ्लेक्ट वाला डाउट था ना कि भाई यार रिफ्लेक्ट हो रहा है एम इसका, ये बंदे का कोई ग्लिच चल रहा होगा, फिर ऐसा कुछ हो रहा होगा जिससे अलग ही मतलब कुछ जा रहा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब लेट द हाइपर की उस वीडियो के बाद सबके एकदम डाउट क्लियर से हो गए, मतलब किसी के पास कुछ बोलने को बचा ही नहीं, अब क्या बोलेगी पब्लिक, ऐसा मतलब इतना क्लियरली बता दिया उसने। नहीं नहीं पहले एक टाइम था कि पब्लिक मुझे बोलती थी कि यार स्काईलॉर्ड तो लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है वन टैप के खिलाफ, पर मैं तुमसे क्लियर बता दूं वन टैप के खिलाफ नहीं हूं भाई, मेरे जो वन टैप से कोई उतना लेना देना नहीं है। पर जो तुम्हें बेवकूफ बनाते हो ना भाई, बहुत दुख होता है अंदर से। मतलब तुम अगर कोई काम फेयर कर रहे हो तो ठीक है यार, पर अनफेयर तरीके से लोगों को बेवकूफ तो मत बनाओ कम। तो आजकल मैनिपुलेशन गैंग दिख नहीं रही, जो पहले बोलते थे कि यार तो बच्चों का दिमाग मैनिपुलेट कर रहा है, अब बोलो तुम लोग कहां चले गए अब सबके सब, मतलब अब आ नहीं रहे हो, तुम लोग दिख नहीं रहे हो। मतलब जो बात मैं इतने महीनों से कहता आ रहा हूं ना, आज पब्लिक ने पूरे वर्ल्ड ने माना इस बात को कि ना भाई ऐसा कुछ होता भी है, और आज दिख रहा है प्रूफ, सही दिख रही बात है। मैं इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार हूं कि मेरी गेम प्ले उतनी अच्छी नहीं है, वन टैप नहीं मार पाता हूं, सब नहीं कर पाता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे गेम प्ले की समझ नहीं है। गेम में सिर्फ फायर पावर ही सब कुछ नहीं होता है। इवन भाई कुछ लोग तो ऐसा एलिगेशन लगा देते हैं कि स्काईलॉर्ड को पैसा मिल रहा है कहीं बाहर से और उसको बोला जा रहा है कि तू ऐसी वीडियो अपलोड कर, मैं क्या ही बोलूं, हंसी आती है। वो बात अलग है कि पब्लिक का वो स्कैमिंग वाले मैटर से ध्यान हटा के किसी और मैटर में ध्यान भटकाया जा रहा है। तुम लोगों ने ये चीज बहुत बार नोटिस की होगी कि तुम लोगों का दिमाग आजकल स्कैमिंग मैटर से हटा के किसी और मैटर पर डाल दिया गया है, और उन चोरों की प्रोफाइल तो ऐसे क्लियर की जा रही है ना, मतलब कोई लिमिट नहीं है। मुझे सुबह एक लड़की का कॉल आता है कि भाई उन चोरों ने मुझे फिर स्कैम किया और मेरे बहुत सारे पैसे खाए, पर मैं उस पर और वीडियो नहीं बनाने वाला हूं, तो मुझे दूसरे छोटे चैनल से उनको मैं ये चीज दे दूंगा कि भाई तुम लोग अपलोड करो इस, बिकॉज इन चोरों ने इतने लोगों को स्कैम किया ना कि भाई मैं परेशान हो गया। मुझे इवन इंद्रो भाई ने सुबह कॉल किया, बोले भाई यार एक लड़की है इसके साथ ये सीन किया इन लोगों, भाई इवन एटलीस्ट लड़कियों को तो छोड़ दो यार, तुम दूसरों को स्कैम कर रहे हो समझ में आ रहा है, पर यार लड़की यार शर्म करो भाई, शर्म करो। पर आप में से बहुत लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी कि तुम्हारा उस वाले मैटर से ध्यान हटेगा किसी और टॉपिक में डाला जाता है, जबरदस्ती ध्यान डाला जाता है, इसी को बोलते हैं सॉफ्ट इन्फ्लुएंस, इसी को बोलते हैं पैसा देकर ध्यान भटकवाना ऑडियंस का, जैसा नेता लोग चुनाव में करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मेरी इमेज को खराब कर रहे हैं, मतलब बिना मतलब जबरदस्ती, कोई प्रूफ नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता उनकी वीडियो में, फिर भी बोलते रहते हैं बस। और जितने भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगे थे उसको मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कल की मेरी लाइव स्ट्रीम में, जिन लोगों ने नहीं देखा हो जाके मेरे सेकंड चैनल पर जाकर मेरे लाइव स्ट्रीम को देख लेना। और अगर आपको फिर भी मेरे बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो जितने भी ये लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं इन सब में एक सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी, ये सारे एक ही है। तुम इनका कंटेंट टाइप देख लो, इनके वीडियोस देख लो, इवन तुमको तुम इनके गेम प्ले देखोगे ना बैकग्राउंड, तुमको खेलते हुए दिखेंगे साथ में ये लोग, मतलब इनके कनेक्शन है आपस। और आपको समझ में आ गया होगा कौन करवा रहा है, ताकि लोगों का ध्यान स्कैमिंग से हटके किसी और टॉपिक पे चला जाए, वो आपको दूसरे टॉपिक पर भटकाएंगे पर आपको स्कैमिंग पर अड़े रहना। और हाँ दिवाली खत्म होने दो, फिर तुम कम कलयुग के रावण से मिलवा।
जाते हैं। पर यार यहाँ पे एक प्रॉब्लम और थी यार, उस बंदे ने लाइव स्ट्रीम कर रखी थी और लाइव स्ट्रीम में सबको दिखा रखा था, पर यार फिर अब उसको घर कैसे बोले लाइव स्ट्रीम की ना यार, क्योंकि दुनिया का ये मानना है कि अगर कोई बंदा लाइव स्ट्रीम कर दे, हैंड कैम दिखा दे, सारे पैर कैम दिखा दे, तो वो बंदा तो हैकर हो ही नहीं सकता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पर नहीं, पब्लिक तो कुछ भी करती है भाई, पब्लिक कुछ भी मान लेती है, पब्लिक को तुम जो दिखाओगे वो मान लेगी पब्लिक। आज वो बंदे ने हैंड कैम दिखा दिया, पब्लिक पिघल गई, बोले नहीं 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 ये तो हैकर हो ही नहीं सकता। अरे ये तो हैकर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इतना पिघल गई पब्लिक की मतलब क्या ही बताऊं भाई, मेरे कमेंट सेक्शन में गाली देने लगी यार। पर पब्लिक यहाँ पे हम लोगों ने फिर से गलतियां ढूंढ ली, मतलब यूजी आयुष ने यही टॉपिक कवर किया, आपने देखा होगा जाके अनग्रेजुएट की वीडियो भी रिसेंट वाली, वहां पर भी सेम टॉपिक कवर है। और वहां पर यूजी ने एक पॉइंट उठाया था कि यार यहाँ पे इस बंदे की लाइव स्ट्रीम का एम देखो कैसे भटक रहा है, और उससे क्लियर हो गया था कि भाई बंदा वहां भी हैक यूज कर रहा था। पर ये लाइव स्ट्रीम में इतना बढ़िया तरीके से हैक यूज कर रहा था ना, किसी को पता नहीं चल रहा था, मतलब कुछ ऐसा नया तरीका जो अभी तक लोगों ने देखा नहीं हो। मतलब जो ये पर्टिकुलर टाइप का हैक था ना, ये ना ही कोई स्क्रिप्ट था, ना ही कोई मॉड था, ना ही कोई मॉड मेन्यू था, ना ही कोई गेम गार्डियन वाला सामान था, ये कुछ अलग ही वस्तु। और इस प्रकार की चीज को अभी तक किसी भी इंसान ने फील नहीं किया था कि यार इस प्रकार की चीज भी कोई होती है। तो पहले मैं तुमको वो एक क्लिप दिखाता हूँ जो इसके लाइव स्ट्रीम की है, जो कि यूजी ने निकाली थी उसकी स्ट्रीम से, मतलब रॉक एफएफ की स्ट्रीम से, तो उसको देखना जरूर अच्छे। अब इस वाली क्लिप को एकदम ध्यान से देखो क्या होता है इसमें, ये बंदा इसको मारेगा देखना, पूरी तरह से इसको खत्म करेगा, पूरी तरह से फिनिश कर देगा, और एकाएक फिर इसका एम देखना कैसे घूमेगा। और कैसे देखा आपने कि मतलब एकदम से पूरा पीछे आ गया, उसको मालूम चलेगा भाई पीछे बंदे, बिकॉज पूरा एम इसका घूम गया था, कैरेक्टर तक पूरा घूम गया था। और यार तुम कितना भी सेटिंग बढ़ा लो, कितना भी सेंसिटिविटी बढ़ा लो, कितना भी डीपीआई कर लो, ऐसे एम कभी नहीं घूमता, ऐसे एम मतलब एम लॉक नहीं होता कभी भी किसी भी। मतलब देख रहे हो इसको नॉक किया, एकदम से एम इधर आ गया, अब इसको मारेगा ये, मतलब यार एक तरह से पूरा झोली झोल चल रहा है इसकी वीडियोस में। पर लेट द हाइपर यहाँ भी नहीं रुका, वो बंदा तो वो हैक तक खोद के लेके आ गया जो हैक से इन लोगों ने हैक यूज किया था। इस स्क्रीनशॉट में कुछ फाइल्स का नाम मेंशन किया था बोन टू किल ने, पर उन्हीं फाइल्स से मिला के इन लोगों ने कुछ ऐसी चीज बनवाई जिसको देख के लोग शॉक्ड रहे। मतलब कुछ ऐसे बंदों को बुलवाया जो मतलब हैक वैक बनाते हैं, जिनको पता है समझ कैसे मॉड बनाए जाते हैं, उन लोगों से बनवाया कुछ इसी टाइप का मॉड जो इस बेसिस पे था कि मतलब जो इन्होंने वर्ड्स बताए वहां पे सेम उसी वर्ड्स को मिला के कुछ एक मॉड बनाया जाए और उसका एक्सपेरिमेंट किया। इतनी सब महाभारत चल ही रही थी कि एक कांड हो गया यहाँ पे, मतलब पूरा एक्सपोज ही हो गया ये बंदा पूरी तरह। जो ये रियोक एफएफ था इस बंदे का, जो एमुलेटर में जो ये मॉड यूज करता था, जो पर्टिकुलर इसका एमुलेटर था या फिर जिस उसमें ऐप में ये खेलता था, वो ऐप ही रिवेल हो, मतलब रियोक का एक बेस्ट फ्रेंड था उसी ने उस ऐप को रिवेल कर दिया, मतलब जो जिस ऐप में रियोक खेलता था या फिर जिस मॉड उसमें मॉड में खेलता था और साथ में उसका एमुलेटर कौन सा था सब कुछ रिवेल कर दिया। और इस स्क्रीनशॉट को देखने के बाद कुछ बचा ही नहीं, आपको पता है सुपर एसयू का यूज किया जाता है और यहाँ पे फ्री फायर देख रहे हो उसमें लोगो किसका है और साथ में जो ब्लू स्टेक इसका उसमें लोगो किसका, मतलब कहीं ना कहीं इसने पूरी तरह से मॉडिफाई कर रखा है इस चीज को या फिर कोई ऐसी चीटिंग यूज कर रखी है जिससे ये कहीं ना कहीं मजे ले रहा है पूरी तरह से। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज नोटिस किया होगी, जब ब्रोकन स्ट्रीम किया करता था तब वो इस चीज को हाइड करके रखता था, पर एक दो दिन उसकी रिवेल हो गई थी, पर बाद में ब्रोकन ये बोल के अलग हटी गया था कि नहीं भाई ये सिर्फ मैंने लोगो चेंज किया, बाकी अंदर का ऐप सेम है, पर बाद में ये ब्लू स्टेक में जो हुआ है उसके बाद तो भाई सब क्लियर हो गई बात। पर लेट द हाइपर का यहाँ भी पेट नहीं भरा, यहाँ इस बंदे ने जो कुछ ऐसी चीज दिखा दी जिसके पास तो भाई पूरा काम खत्म एक तरह से। और प्रूफ के तौर पर अब इनको वो फाइल भी मिल गई थी जिससे पूरा काम हो रहा था, मतलब एक छोटी सी 69 बिट्स की फाइल ने इतना सारा कांड कर दिया। कुछ लोग पूछते हैं कि यार अपने नाम के बाद 69 क्यों लगाता हूं, मैं इसलिए लगाता हूं ये 69 साला मेरे पीछे पड़ा हुआ है यार, कोइंसिडेंस देखो यहां पे भी 69 आ गया, तो यहां पे इतना प्रूफ बहुत था। और तुमको पता है जैसे ही मतलब उस बंदे ने जो लेट द हाइपर था उसने इस पर्टिकुलर फाइल को जैसे उन्होंने बताया था वैसे पुट किया अपने पीसी में, उसके बाद उस बंदे ने सिर्फ हेड ही हेड मारे, हेड की उधर बात ही नहीं करी, मतलब आप मानोगे नहीं हर गोली उसके हेड पे लग रही है। अगर आप उसका गेम प्ले देखना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा लेट द हाइपर के वीडियो की, वो आप देख सकते हो क्लियर वहां पे दिख रही है। और इतने प्रूफ दिखाने के बाद कुछ बचा ही नहीं बोलने को, तो भाई जितने भी इंडिया की ऑडियंस हो ना तुम लोग पागल मत हुआ करो वन टैप्स को देख के इतने रेड नंबर्स को, कि अगर पीसी में खेलने वाला कोई इतने रेड नंबर मार रहा है ना तो भाई इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो बंदा फेयर खेल रहा है, बिकॉज झोल भी हो सकता है। और एक तरह से तुम ये भी समझ सकते हो कि हर पीसी में खेलने वाला हैकर नहीं होता है, कुछ लोग अच्छा भी खेलते हैं कुछ लोग सही भी खेलते हैं। और अगर कोई बंदा पीसी में नॉर्मल खेल रहा है, मतलब तुमने अज्जू भाई की गेम प्ले देखी होगी, ज्ञान की गेम प्ले देखी होगी, बहुत सारे लोग ऐसे जो लोग नॉर्मल खेलते हैं तो ये लोग भाई ईमानदार है, इसलिए इनकी गेम प्ले ऐसी नहीं है रेड नंबर वाली। इंडिया के यूट्यूबर में बाहर के यूट्यूबर में थोड़ा सा एक अंतर तो बन गया कि भाई इंडिया के यूट्यूबर ईमानदार है, एटलीस्ट भले नूब कहना सह लेंगे पर एटलीस्ट ईमानदारी तो है इनके अंदर। आज के बाद इंडिया के यूट्यूबर को बाहर के यूट्यूबर से गलती से भी कंपेयर मत करना, क्योंकि ईमानदारी के मामले में आज भी इंडिया के मंदिर 100 गुना आगे चल रहा है वर्ल्ड। तो होप मेरी वीडियो की भावनाएं आप समझ गए होंगे कि मैं आज इस वीडियो में क्या बताना चाह रहा था, कि भाई जितनी चीजें बच के रहो और अपने इंडिया के जो ऐसे बंदे जो स्ट्रेटेजिक गेम पे डालते हैं, अरे भले कुछ भी डाले यार इंडिया के बंदों को सपोर्ट करो, तुम इंडिया के बंदों को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। और इंडिया के बंदों को देखोगे तो इंडियन लैंग्वेज में तुमको मालूम पड़ जाएगा कि भाई इंडिया की अलग जो स्टेट की लैंग्वेज होती है उनसे तुमको मालूम पड़ेगा कि भाई यार ये ट्रिक बता रहा है, बाहर वालों की वीडियो में तो तुमको लैंग्वेज समझ में नहीं आती होगी। और रेड नंबर को देखना बुरी बात नहीं होती है कि भाई तुम रेड नंबर्स को खूब देख रहे हो, हेडशॉट हेडशॉट वन टैप कोई बुरी बात नहीं है, पर ब्लाइंडली विश्वास कभी मत करना, चाहे स्काईलोडी बोले कोई भी बोले विश्वास कभी नहीं करना, जब तक आपको उस चीज का लेजिट प्रूफ या फिर कोई ऐसी चीज ना मिले ठोस के जिससे तुमको विश्वास हो सके कि ना भाई ये चीज सही है ये चीज गलत। और हाँ जितने भी लोगों ने मेरी वीडियो को अभी तक देखा है तुमको मैं चीज बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा सेकंड चैनल की लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप मेरे सेकंड चैनल पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, वहाँ पे आपको एक पोस्ट दिखेगी, आपको जाना है सिंपल वहाँ पे कि रिमाइंडर सेट कर लेना, मैं शाम को लाइव आऊँगा और बहुत ये एक तरह से
सरप्राइज होगा। मैंने आपको बोला था मैं एक सरप्राइज लाने वाला हूँ, और ऐसे सरप्राइज आपको एवरी मंथ देखने को मिलेंगे। आप जितना अच्छा बड़े बंदों को देखोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे इन सब चीजों। आपको अपनी व्यूअरशिप का जो क्राइटेरिया होता है इसको बढ़ाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया में। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर सेकंड चैनल पर जो पोस्ट है उसका रिमाइंडर याद से सेट कर लेना, और हो सके तो डिस्कॉर्ड लिंक होगी ज्वाइन कर लेना, काम ही आएगा तुम्हारे, इजी कॉन्टेक्ट कर पाओगे, और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो मन करे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।